लगता है आज हर जगह राज पे राज खुल रहे हैं। सीरियल नागिन में भी ध्योडी का खुल रहा है राज शिवन्या की सासू माँ यामिनी रहेजा के साथ। आइए देखते हैं पप्पू बजा के। बदला बदला सा है नागिन के सास ससुर का अंदाज। ससुर जी आकी बन गए हैं माली तो सासू माँ हो गई है जवान। और जरा इनका लुक तो देखिए, ये पीला लहंगा और बालों में महकता गजरा। भाई आज तो ये बिल्कुल अपनी बहू रानी शिवन्या जैसी लग रही है। कहीं ये सासू माँ भी नागिन तो नहीं बन गई? भाई आखिर ये सास भी तो कभी बहू थी। सास बहू और बेटिया जब पहुँचा कलर्स के सीरियल नागिन के सेट पर तो वहाँ हमें दिखा ये गोलमाल। भाई असल में यहाँ पर फिल्माया जा रहा है एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ मिस्टर एंड मिसेस रहेजा नागमणि का राज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नगर में हमने उस नागमणि के बहुत चर्चे सुने हैं पर हमने अभी तक नागमणि नहीं देखा। क्या आपको मिलेगी साबित कहाँ रखी है नागमणि? और आखिरकार वो नागमणि का राज जानने में कामयाब भी हो जाते हैं। चार दिन बाद आएगा वो एक दिन जिस दिन सारे नाग नागिन इंसानी रूप धारण करके उस नागमणि के सामने नृत्य करेंगे, साधना आराधना करेंगे। उस दिन, उस एक दिन के लिए नागमणि सामने आएंगे और उसी एक दिन नागमणि को वो चुरा सकता है। नागमणि का राज तो मिस्टर और मिसेस रहेजा के हाथ लग गया, लेकिन दर्शकों के सामने एक और राज बहुत जल्द खुलने वाला है। वो ये कि असल में मिस्टर और मिसेस रहेजा ऋतिक के असली मम्मी पापा नहीं। तो आखिर किसका बेटा है ऋतिक और क्या है ऋतिक का नागमणि कनेक्शन? यही है सीरियल नागिन की आने वाली कहानी। मुंबई से आकिफ खान के साथ आज तक ब्यूरो।